जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फूड एक के हवाले से एक फेस्टिवल लगा हुआ है। ये 3 रोज़ा फेस्टिवल था और आज इसका अख्तिताम है। और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, जो कि मल्टीनेशनल्स कंपनी है, उसके अलावा लोकल्स कंपनीज़ हैं, उनके यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। बच्चों के लिए तफरीही प्रोग्राम्स हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, और स्टॉल से लोग इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के हवाले से भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। आइए हम आप लोगों से भी बात करते हैं और आपको वो स्टॉल्स भी दिखाते हैं, जिससे लोग लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। सर, हमारे पास तो शान की सारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये फेस्टिवल के हवाले से मैं कहना चाहूँगा ये कि बहुत अच्छा स्टेप है ये, और इससे ये हमारी इकनॉमी भी मज़बूत होगी, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स बाहर जाएंगे और हमारी इससे इकनॉमी भी मज़बूत होगी, और इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आम आवाम को भी बहुत सीखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। ये जो फेस्टिवल लगा है इसके हवाले से ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग 6P फूड इंडस्ट्री से हैं और हम लोगों ने ये हेल्दी ब्रांड लॉन्च किया है। दिस इज़ एक्चुअली क्रायोजेनिक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, और इसका फ़ायदा ये है कि 2 साल तक आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो फ्रीज रह सकती है, ठीक है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फ्रीज़ की जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से आपके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, जो भी फ्रूट के अंदर चीज़ें होती है, वो सब कुछ उसी वक्त प्रिजर्व हो जाता है विद इन 3 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उस जो आपकी जो फ्रूट्स की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो वहीं पर हम लोग उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसकी पैकेजिंग खोलेंगे तो आपको वैसे ही फ्रेश लगेगा जैसे आपने अभी अपने फ्रिज से ही निकाले। मैं मतलब बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में जाता हूँ, तो मुल्की लेवल पे गवर्नमेंट है ना एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन ये इस टाइप की खाने पीने की आइटम है, ये सब्जियाँ, ये फ्रूट, इस टाइप की जो हमने एक्सपोर्ट के हवाले से और ये पूरी देखी प्रोडक्ट देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें तकरीबन मेरे अंदाजे से 600 से ज़्यादा बाहर से इम्पोर्टर आए थे और उन्होंने यहाँ पर विज़िट की। 3 दिन तक ये एग्जीबिशन चलती रही है और इसमें बाहर के लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया और मुकामी लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया, यानी सब्जियों से लेकर फ्रूट तक की आइटमें, खाने पीने, चावल, खजूर, सब टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट के हवाले से भी है, जैसे अजरक वगैरह ये सब भी है। देखिए, ये भी मतलब हैंडीक्राफ्ट भी हमारे यहाँ एक बड़ा मतलब नाम है पाकिस्तान का, दुनिया में, कि ये इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और लोग पसंद करते हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट की सतह पर इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको थोड़ी हौसला अफजाई होनी चाहिए और इनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे मामले होने चाहिए कि ताकि लोगों को इस तरफ लाया जाए। हनी में हमारे 2 वेरियंट्स है, एक जो है फॉरेस्ट हनी है, एक वाइल्ड सीडर जिसको आम जबान में बेर का हनी कहते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, 3 दिन हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है हमें कराची के लोगों से, और बहुत खुश हम होके जा रहे हैं, बहुत अच्छा कामयाब विज़िट था हमारा। तो हनी के हवाले से हमारी यूनिट जो है ये पेशावर में है, और हम हनी जो है हनी के अलावा हमारे पास एप्पल साइडर है, इसके अलावा सिंथेटिक साइडर है, ये तमाम प्रोडक्ट है, और हमारा जितने भी प्रोडक्ट है ये बेसिकली 100% नेचुरल है और इसमें कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है, कोई जो मिलावट नहीं होती। इसकी क्वालिटी, इसकी प्राइस, इसकी जितने भी पैक्स हमने बनाए हुए हैं वो बेहतरीन पैक में दे रहे हैं, और इसके अलावा जो है क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारी तरफ से हनी के हवाले से। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हमारी ये कोशिश थी और हमने ये कदम उठाया है। इधर रिप्रेजेंटेशन का मकसद ही यही था कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाएं और इससे सारे लोग मुस्तफीद हों, क्योंकि ये नेशनल ब्रांड है। पहले तो नेशनली इसको हम प्रमोट करें और फिर इंशाल्लाह अब आगे इरादा है कि इसको इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करें। तो शहद के फ़ायदे तो ये हैं कि इसके तो ज़रूरत ही नहीं, हर एक को इसके फ़ायदे का पता है, कुदरती चीज़ है, इसका जिक्र जिसका कुरान पाक में जिक्र आ गया उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद तो कोई चीज़ है ही नहीं। और दूसरा ये कि इसकी गारंटी है, ये बहुत प्योर है, कोई इसमें मिलावट नहीं होती, ना ये जमता है। तो इंशाल्लाह कराची के लोग भी इससे काफ़ी मुस्तफीद होंगे।